जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जाको हम कहेंगे वह रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गई। अध्याय दो, सांख्य योग, श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका ब्रह्म विद्या सिखावत हैं। परमात्मा कहत हैं, अर्जुन अगर तू दरभा या कटी हुई फसल का कसकर खींचा तो इतोहार हाथ काट दे। दरभा या कटी हुई फसल का बिना अपन हाथ काटे काटे का कौशल या कौशलम कहा जात है। कुश के अर्थ है दरभा या पवित्र घास। अपने दैनिक जीवन में बिना बिसारे करे वाले कई काम हैं। जब तक हमारे पास ये शरीर है हमका आपन कर्म करा चाहिए। तोरे द्वारा किए गए वाले कर्म से तुमका कठिनाई या हानि ना हो चाहिए। पहले कहा गया रहा कि अपने हाथ का बिना काटे दरभा का काटब कौशल है। बंधन में बंधे बिना कर्म करब ही कौशल है। एका हम बुद्धि नैपुण्यम कह सकत हैं। कौशल के साथ आपन कर्म करा। कब तक करा? जब तक जीवन है तब तक करा। तू अपने कर्म का नहीं छोड़ सकता। नैपुण्यम का है हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं और कर्म का पालन करते हुए साधना के आधार पर अपने कर्तव्य कौशल पूर्वक करत हैं। भगवान हमका दो सिद्धांत समझावत हैं। एक सिद्धांत है कि कर्म करते समय परिणाम की इच्छा ना करब। दूसर है कि यद्यपि तू किसी परिणाम की इच्छा नहीं रखत रहा फिर भी कुछ परिणाम तोहरे पक्ष में हुए या ना हुई हैं। परिणाम आई हैं जरूर। चाहे परिणाम तोहरे पक्ष में आए या ना आए या वो सकारात्मक हो या ना नकारात्मक हो अपने मन का उन परिणामों से न जोड़ा और अपने मन को स्थिर रखा। तो अर्जुन दो सिद्धांत में अपनाए और नियम रूप से आपन कर्म करब कौशल के रूप में जाना जात है। और ये कर्म तोहरे कुल धर्म जाति धर्म व्यवस्था के धर्म या वृत्ति धर्म से संबंधित हो सकत हैं। यदि तू एके पालन करा तो पुण्य कर्म और पाप कर्म तो कह न छू पाई हैं। इस प्रकार भगवान हम सबका बुद्धि कौशल के साथ कर्म करे के आदेश देते हैं। यही का योग कहा जात है। अक्सर अपने बुजुर्ग हमसे पूछा थे या पत्र में लिखा थे कुशल हो तो उनके इच्छित पूछताछ यह है कि क्या तोसे आहत भय बिना तू ओसे आहत भय बिना अपन काम करता हा। मतलब अपने काम से आहत भय बिना अपन काम करता हा। आहत से उनके तात्पर्य आसक्त ना हो या कोनो परिणाम की आशा ना करब है। इस प्रकार हमारे बुजुर्ग हमारे दैनिक जीवन में भी शास्त्रोक्त अनुशासन शामिल करब सुनिश्चित किए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव। माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम
ये 8 वचन कहब। आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बात। श्रीमन्नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमारे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन्नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन्नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन्नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ओम। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पर जाके पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा।
तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होते। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।